इधर के लोग कैसे सरवाइव करते हैं यार, वो ठंड अंदर से घुस गई है, सच बता रहा हूँ मैं, तभी बोल रहा हूँ आगे बर्फ बड़ी होगी, हमें टाइम बड़ा लग जाएगा, लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी, काफी ज्यादा बर्फ है यार, ये ब्लैक आइस है, ये जम चुकी है। तो दोस्तों ये हमने लगाया था भाई टेंट, बाकी यार तरपाल ऊपर से बिछाया था, कुकर देखा कितना साल आया हुआ है, दो बंदों का खाना आराम से बन जाएगा। फिलहाल के लिए भाई मैं तो केवल एक ही फ्राई मिनट में चावल खा रहा है। 5 डिग्री 7 डिग्री 0 डिग्री इसी में हम सरवाइव कर रहे हैं पूरी रात। दोस्तों सुबह होने वाली है, अभी हम दिखाएंगे आपको पार का व्यू। सामने देखो यार, व्हाट अ व्यू, वाह क्या यार। ये दोस्तों लेफ्ट साइड जो जा रहा है ना रास्ता, ये जा रहा है भाई श्रीनगर को, हमने जाना भाई राइट साइड को, ये जा रहा है डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह। सामने देखो आप कितनी ज्यादा स्नो पड़ी हुई है, पीछे वाली साइड भी पड़ी हुई थी, यहाँ बटोत तक भाई स्नो पड़ी हुई थी, यहाँ थोड़ी पिघल गई है, ये देखो अभी भी दिख रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रही। जब मैं फर्स्ट टाइम भद्रवाह आया था ना दोस्तों, मेरे को सबसे प्यारा व्यू यही लगा था रास्ते का भाई, ये देखो ऐसा लग रहा ना फील, मतलब कहाँ की फील आती ये मक्लोडगंज वाली वैसी फील है। फाइनली दोस्तों अभी आ गए भाई पेट्रोल डलवाने के लिए, भैया फुल कर दो क्योंकि 2 पॉइंट फिर से कम हो गया ना, अब देखता हूँ कितने का पेट्रोल पड़ता है। 294 300 का पड़ गया है ना, कर दो 300 हो गया ना। मेन टेंशन किसकी है, हमें पेट्रोल की, और भाई माइलेज भी दी है, और 143 किलोमीटर तब चली थी, तब मैंने डलवाया था, कितने का डलवाया था कावल, 400 का, टोटल हो गया भाई 700 का, 700 का पेट्रोल डाल चुका हूँ यहाँ तक डोडा तक, डोडा यहाँ से पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि यार आगे मिले ना मिले रिस्क क्यों लेना। तो फाइनली यार हमें ना सब्जी वाली दुकान दिखी है, यहाँ से भाई प्याज भी लेते हैं टमाटर भी लेते हैं, और ठंड बड़ी ज्यादा यार, अभी पुलिस वाले सर मिले थे भाई, वो बोल रहे थे वहाँ पे ना बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है, जाओ वैसे मना नहीं करेंगे आपको, तो अपने रिस्क पे जाओ, चलो देखते हैं दोस्तों, यही तो भाई एडवेंचर है। अब बहुत ठंड लग रही है दोस्तों, आज मैं पहुंच जाऊं वहां पे, अब मेरी ना जैकेट है ना जो, वो भाई मैंने बैग में पैक कर दी हुई है, मैं अभी निकाल नहीं सकता बैग से, और ये देखो बर्फ, रोड में नहीं होनी चाहिए बर्फ, बट ऊपर तो होगी रोड में भी यार, अगर रोड में नहीं होगी ना बाइक लेके जा तो सकते हैं ना, अगर बर्फ पड़ी होगी रोड में तो भाई हमने जाना कैसे है यार, नीचे कितनी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है, पहाड़ सामने आ रहे हैं, बस टाइम पे पहुंच जाए ना, सिर्फ पता लग जाए ना कि हमने टेंट कहाँ पे लगाना है, हर जगह बर्फ तो नहीं पड़ी होगी। हमने भाई एक तिरपाल लाया था, एक एक्स्ट्रा चाहिए था हमें जो कि नीचे बिछाना था, हमने ये जो तिरपाल है हमारा अगर को भी भाई हमने नीचे बिछा दिया ना, तो भाई ऊपर से टेंट कवर नहीं होगा, ठंड बहुत ज्यादा यार, सुबह सुबह ओस गिरेगी ना, उससे बचाएगा हमें, बोलने भी नहीं हो रहा यार। हो दोस्तों जन्नत भी आ गया भाई, ओ भाई क्या सोचा था और क्या हो रहा है हमारे साथ, आज जलानिया जल्दी जल्दी पहुंच गए हमने, एक्स्ट्रा होगा कोई चक्कर नहीं चलेगा ना, कम नहीं होना चाहिए, 12 फुट बहुत है भाई, आप देख टेंशन नहीं है आप कोई भी, अंकल जी भी बोल रहे हैं यहाँ भाई, सारे बोल रहे हैं आप पागल तो नहीं हो गए, किधर जा रहे हो आप, इधर कोई रहता ही नहीं है, मैंने बोला वहाँ पे रात निकाली जा सकती है, बोलते हम रहे ही नहीं है तो हमें क्या पता, यहाँ पे हमें सारा सामान मिल गया जितना चाहिए था हमें, तरपाल वगैरह सब कुछ मिल गया यहाँ से, आज मेरे लिए ना करो या मरो वाली बात होने वाली है आज भाई। ठंड तो है ऊपर से यार, रास्ता देखना है, साफ है रास्ता, ऐसा नहीं है रोडों में बर्फ नहीं पड़ी हुई, अब मेरे को बिल्कुल सेफ तो चलानी पड़ेगी, ब्लैक आइस थोड़ी थोड़ी बीच में दिख रही है, ओ दूर से बर्फ दिख रही नहीं थी, और यहाँ पे कैंपिंग करना, मैं बोलता हूँ करके बताओ कोई कर सकता है इतनी ठंड में कैंपिंग, हम करके दिखाएंगे। अब आप खुद बताओ कि रात में इस रोड में चलने होता है भाई, अपनी बुलेट वैसे ना स्लिप करती नहीं है यार, जब NS लाई थी ना यहाँ पे भाई इतनी बार स्लिप करी थी ना NS, बट यार अपनी बुलेट नहीं स्लिप करती, ठंड भी है दोस्तों भाई, ये डबल ग्लव्स है, ओए 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 पानी फ्रीज है कावल, पानी कहाँ से भरने है, देख देख कावल पानी पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओए है ही नहीं पानी भैया, है ही नहीं पानी कावल, किसी के घर से भर ले कावल, बर्फ नहीं यार पानी भरना है यार कावल, पानी भरना है, पानी आके घर होगा ना कोई, बाकी यार कुछ नहीं यार, डरना नहीं है, फील करो यार, आप सुकून की जिंदगी में आयो, ऐसा मौसम ऐसी बर्फ और भाई ऐसे मोटो ब्लॉग आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। नहीं कावल, कावल बहुत ज्यादा स्लिप कर रही है कावल, और तू समझता नहीं है यार, और रुक मेरे को चलाने दे अपने हिसाब से, अपने हिसाब से चलाने दे, ओ इधर ही देख कहीं पे ओए, कावल नहीं पहुंच पाएंगे यार, डर नहीं लग रहा यार, कावल पकड़ी पकड़ी पकड़ गई 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 गई, रुक जा उतर उतर तू उतर उतर उतर, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा स्लिप है भैया, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ये बर्फ पता कितनी आई है, ब्लैक आइस, मम्मी गया ही मैं उन थल्ले, मैं टहिया था ही मम्मी, मैं बची, कावल तू आ, दो जने बाइक को गिरने से बचा तो देंगे ना, बच गए, इतना सामान गिरता ना, नहीं गिरना चाहिए भाई, भगवान जी जय श्री राम जय श्री राम जय
श्री राम। यार तेरा मुंह पे एक ही चीज की होती है खींच, वो इधर ही लगाई गई। कावन मेरी मान ये सेफ है हमारे लिए। भैया इधर से अभी जय वैली बहुत दूर है यार। नहीं ऐसी रोड हो कोई चक्कर नहीं है, जैसी वो आई थी जगदम मार गई थी बाइक स्लिप। देखना क्या यार कावल इधर के लोग कैसे सरवाइव करते हैं यार। वो ठंड अंदर से घुस गई है सच बता रहा हूँ। ये उधर से ही आ रहे हैं घूम के शायद। भैया टांग खोल के रखेंगे तो बचेंगे, बाकी बुलेट इतनी जल्दी स्लिप नहीं करती मेरे को पता है, बट स्पीड में करेगी भाई। हो आते समय मुश्किल होगी कावल। आंदे जानते आराम से, कुछ नहीं कुछ नहीं, आराम से चल चल चल। ओ भाई बाइक खड़ी कर यार। ओ बाबा हाँ हाँ चल 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 चल, कुछ नहीं कुछ नहीं, यही तो भाई लग गार्ड किस लिए लगाई है मैंने। चले एक सर हो गए सामान। नहीं नहीं चल बैठ बैठ, ये बर्फ निकाल थोड़ी जरा भाई। बाइक ही नहीं स्टार्ट हो रही। हो देखा दोस्तों ऐसी होती है भाई, बाइक उल्टी और पता भी नहीं लगेगा। यहाँ लोकेशन देखते हैं आगे, बर्फ की वजह से यार कैंसिल करना पड़ रहा है आगे। ओ ये कावल है, बहुत बर्फ है आगे। ओ भाई गई थी देखा कितनी स्लिप है, ये ब्लैक आइस है, ये जम चुकी है। जब हमने आना ना तब भी भाई ऐसे ही आना पड़ेगा उतर के, आसानी से बुलेट भाई स्लिप तो करती नहीं है। मैं तभी बोल रहा हूँ आगे बर्फ बड़ी होगी, हमें टाइम बड़ा लग जाएगा, लकड़ियां नहीं मिलेंगी। इधर बंदोबस्त कर लेते हैं अभी। बर्फ आ गई यार, भैया हम लेट हो जाएंगे कावल, कल लोकेशन पे पहले पहुंचना पड़ेगा। भैया नहीं चल रही, बड़े बड़ा मुश्किल से चल रही है, टांगे खोल खोल के चल रही है। लग गार्ड का यही फायदा है रहा। पर यार लकड़ियां नहीं है कावल, लकड़ियां नहीं है कावल, हमें आग जलाने के लिए मुश्किल बनेगा। मेरी मानता है ना, मैं जो बोल रहा हूँ हम इधर लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, वो नीचे जो लोकेशन देखी है मैंने वहाँ पे टेंट लगाते हैं आज, क्योंकि आगे कोई फायदा नहीं है। ऐसे करते करते हमने पता नहीं कब पहुंचना है, कल हम दूसरी साइड जाएंगे। बट इधर सारी जगह बर्फ पड़ी है यार, काफी ज्यादा बर्फ है यार। फंस चुके हैं दोस्तों, अब जो सोचा था मैं वो हुआ नहीं है। दोस्तों आग जल चुकी है यार, बहुत मुश्किल से आग जलाई है हमने, और हमारे प्रभु श्री राम ने ना भाई हमारे लिए लकड़ियां भी रखी हुई थी यहाँ पे यार। आपने क्या समझा था भाई मैं गुम हो गया हूँ? मैं गुम नहीं हुआ भाई, अभी मैंने ना भाई पूरा सेटअप कर दिया है, अब मैं फ्री हो चुका हूँ। पहले मैं डर चुका था दोस्तों थोड़ा, क्योंकि मेरी ना फर्स्ट कैंपिंग थी और उसकी वजह से भाई मेरे को डर भी लग रहा था, क्योंकि यार आग जलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आग हमने जला दी है दोस्तों, ये सामने आग जल रही है एक, और भाई दूसरी आग जल रही है ये, और भाई हम अभी चावल बनाने लगे हैं। तो दोस्तों ये हमने लगाया था भाई टेंट, बाकी यार तरपाल ऊपर से बिछाया था, लाइट जल रही है अंदर, और अंदर गंद तो बहुत ज्यादा। ये दोस्तों जब हम सोएंगे ना उसके बाद ये क्लियर कर देंगे। पानी बड़ी दूर से लाया भाई हमने, कुकर देखा कितना सा लाया हुआ है, दो बंदों का खाना आराम से बन जाएगा। इसको स्टेबल रखना, स्टेबल है स्टेबल है भाई, इसको नहीं हिला, तू रहने दे। प्लेटफॉर्म सीधा नहीं है इसका यार। प्लेटफॉर्म रहने दे तू, प्लेटफॉर्म सीधा करना तेरे। अब भैया मैं बताता हूँ ना तेरे को, बस छोड़ तू छोड़ ना, मैंने रख दिया यार। ये भाई रास्ते में मिला था हमें, ओए पानी भी सटी है। रावल ब्रो पानी देख ले, मैं मिर्ची देता हूँ ना आपको। भैया ये ले मिर्ची, भैया टिक्की मसाला डालना, मेरे को चाहिए मिर्ची, मिर्ची चाहिए। दोस्तों एक हाथ से कैमरा पकड़ू क्या करूँ यार, भाई मिलगी मिर्ची ये ले। आज हमारी पहाड़ों में मैगी बन रही है, मैगी। कैंपिंग करना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है ना कावल। तो फाइनली दोस्तों कावल ने मैगी बना दी है यार, अब मैगी टेस्ट करते हैं हम। मैगी बड़ी टेस्ट है भैया, एक याद रखे मेरी गल, मैगी पूरी खाया नहीं तो बालू ही टेस्ट आई है, बालू आई है। आपको भाई एक चीज का ध्यान रखना ही रखना है नाइट कैंपिंग में, आपकी जो भाई आग है ना वो भाई बुझनी नहीं चाहिए, किसी भी हालत में बुझनी नहीं चाहिए। अगर ये बुझगी ना तो भाई फिर खतरा। कावल रुक, ऐसे नहीं, ये बुझी क्यों है यार भैया। लकड़ी दोनों खड़ी कर, इसको डबल कर कावल, इस लकड़ी को डबल कर भैया, इस लकड़ी को डबल करो। चले लकड़ी लेने के लिए, ये लकड़ी तो चाहिए कावल, एक बार लकड़ी लानी है यार। हवा में आग जलाना ना, चल गई खाला जी का घर नहीं जली, चल जलगी ना। तो दोस्तों अब जाते हैं भाई हम लकड़ियां लेने के लिए, लकड़ी लेके आते हैं, उसके बाद भाई यहाँ पे लकड़ियों को ढेर लगाते हैं पहले, उसके बाद भाई हमें टेंशन नहीं होगी, फिर लकड़ियां जलती रहेंगी। अभी हमने ना काफी लकड़ियां लाई हैं, ये ऊपर से लाई हैं भाई, घर था एक पुराना वहाँ पे भाई ये एक्स्ट्रा लकड़ियां पड़ी हुई थी वहाँ से लाई हैं हमने। अब पूरी रात हमें टेंशन नहीं है, बट आग जलनी चाहिए वापिस। मैं कावल से पूछता हूँ एक ही चीज, कावल मेरे को बता इधर आके तेरे को फर्स्ट कैंपिंग करके क्या फील हुआ है? मैं घर से सोच के आया था कि मुझे फर्स्ट स्टे करना जय वैली में, मुझे नहीं पता था कि आगे रोड कैसी है कैसा नहीं है। तो आज हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ा, तो टचवुड हमें ऊपर वाले की मर्जी से हमें सब कुछ मिल गया, आग जलाई, खाना बना लिए, चावल बना लिए, मैगी तक इवन बना ली हमने। इसी के लिए भाई हम आग जला रहे हैं ताकि हमारे पास कोई भी वाइल्ड एनिमल्स नहीं आए। हमारी भाई रोटी बन चुकी है, अब भाई हम खाने लगे भाई रोटी, क्योंकि भूख लगी है यार। अब भाई हमारी आग ना पूरी रात चलती रहेगी। हाँ ये है कि भाई लकड़ियां जब एक साइड से जल जाती है ना, हमने सेंटर में लगाई हुई है, सेंटर से जब जलती है ना फिर भाई लकड़ियों को वापस एडजस्ट करना पड़ता है हमें। फिलहाल के लिए भाई मैं तो कावल एक ही फ्राई मिनट में चावल खा रहे हैं,
और साथ में भाई मैगी, क्योंकि यार हमने ना सब कुछ लाया, एक चीज भूल गया, वो है भाई प्लेटे। तो फाइनली दोस्तों हमने खाना खा लिया, अब हम आ गए भाई टेंट में, तो लगे सोने। भाई लकड़ियां मैंने ना खूब जलाई है, अभी मैंने ना अभी एक बार फिर से उठना है, लकड़ियां जलानी है। अभी टेंट को देख लो बिल्कुल पैक कर दिया हमने। तो भाई ये वाली लाइट ना हमारी ना पूरी रात ऑन रहेगी। इस लाइट से क्या होता है, कुछ भी यार वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, उनको लगता है कि आग जल रही है। फिलहाल के लिए भाई हमने स्लीपिंग बैग निकाल दिए, चावल तो हो गए पैक, तो मैं तो नहीं हुआ अभी। अब जो होगा रात में भाई देखा जाएगा। जितना खाना हमने बनाया था ना भाई, वो पूरा खाना हमने खाया, और जो थोड़ा सा बचा ना वो भी भाई हमने पैक करके अंदर ही रख दिया हुआ है अपने साथ। बाकी यार दोस्तों फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, अच्छा भी लग रहा है। अभी तो नहीं डर रहा, जब भाई टेंट नहीं था लगाया, आग नहीं थी जलाई, तब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अभी एक अपना छत बन गया हुआ है, हवा से भी भाई हमारा टेंट हिलने नहीं वाला। हाँ काफी हवा चलेगी तो फिर क्या पता हिल जाए, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। दोस्तों रात के कितने बजे हैं कोई पता नहीं है, अभी नींद खुली है थोड़ी थोड़ी, और हमारा ना जो टेंट है ना भाई पूरा गीला हो चुका है यार। हमने तरपाल भी बिछाया था बाहर से, बट यार वहां से भी पानी क्रॉस हो गया। अभी शुक्र करो स्लीपिंग बैग है। दोस्तों सुबह के 4:30 बज चुके हैं यार, और इस टाइम ना हम माइनस टेम्परेचर में है यार। कावल नींद पड़ी नहीं पड़ी, खुल रही है यार नींद, फर्स्ट टाइम था ना यार। जैसे हवा चलती है ना ये तरपाल हिलता है यार, फिर डर भी लगता है। अब हमें ना आज इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, माइनस टेम्परेचर दोस्तों, माइनस टेम्परेचर। चलो सोते हैं वापस। कावल बार बर्फ देनी पड़ी यार, भैया बर्फ पड़ गई है यार, ये पूरा टेंट जाम हो गया यार। दोस्तों सुबह होने वाली है, अभी हम दिखाएंगे आपको बाहर का व्यू। मैं लगा सोने, आइए नींद गला बैठ गया पूरा, सच में पूरे पैक हुए इस टाइम, पूरे पैक है इस टाइम। चलो सो जाओ। देखो दोस्तों ये ना पूरा गीला हो चुका है यार, कर लिया हमने सरवाइव यार, निकल गई रात। कावल तू फर्स्ट कैंपिंग करी उड़ी है यार, कटी है तू रात, जो तू सोचा सी एक बारी तू पूरा करेंगे, लगी नहीं है ठंड। कावल तेरा स्लीपिंग बैग ठीक है यार, मेरे स्लीपिंग बैग में ज्यादा ठंड लग रही है यार मेरे को। अब पता कितना चल रहा है, -7 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, इसी में हम सरवाइव कर रहे हैं पूरी रात। -6 में चल रहा है ना, कोई मजाक है? फिर भी की है यार, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो, आप सब काम कर सकते हो। पूरी रात जागे है, बाइक चलाई है, फिर उसके बाद यार नींद कहाँ पड़ती है यार, नींद यार पूरी रात फट 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 फट, डर लगता है यार, पता नहीं कोई आ गया, मेरे प्राण निकल गए कई बार यार। आधी रात अब कावल मारे खराटे, खुर्र खुर्र, भैया कहाँ जाऊँ मैं, मैंने मारे खराटे पता मैं कम से कम भी कोई 20-25 मिनट। हाँ तो मेरे को पता था ना कि 3-4 बजे नींद खुलने वाली है, ठंड बड़ी है, मैं सो गया पहले ही, नींद खुल गई 3-4 बजे, पड़ी नहीं रही थी क्या करूँ। फर 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 दोस्तों बहुत ज्यादा हवा चल रही थी यार आज, पहले हमने ना बंदोबस्त और थोड़ा करना पड़ेगा। नाइट कैंपिंग करो भैया, नाइट कैंपिंग करो, आइए नाइट कैंपिंग, शांति भाई नाइट कैंपिंग करो। शांति भाई भी आ गए थे नाइट कैंपिंग करने के लिए। भाई सारे जाते हैं किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जिधर बर्फ नहीं पड़ी होती, शांति भाई ऐसी जगह पे आया जिधर बर्फ ही बर्फ है। आपको लग रहा नहीं है ना बर्फ नहीं पड़ी हुई, मैं दिखाऊंगा आपको दोस्तों, सुबह दिखाता हूँ आपको। जिधर हमने टेंट लगाया ना बड़ी बर्फ पड़ी हुई है, जिधर हम कैंपिंग कर रहे हैं इधर भाई मजाक नहीं है, सच बोलो इधर मजाक नहीं। आगे बढ़ते जाइए, परिश्रम कीजिए, एक ऐसा दिवस आएगा तो ये निंदा करने वाले लोग आपके लक्ष्य प्राप्ति का उदाहरण किसी और को देंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।